आंखें खोल दी है तुमने मेरी, जो बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें गिफ्ट देने आ रहा था, लेकिन तुमने मुझे रिटर्न गिफ्ट दे दिया जो बहुत जरूरी था। अब दे ही दिया है तो उसे एक नाम भी दे दो ना, जैसे पत्नी के लिए पति की दूसरी औरत एक सौतन होती है, उसी तरह पति के लिए पत्नी का दूसरा आदमी को क्या कहेंगे। अब क्यों नहीं समझे, अब जो देख रहे हो वो गलत है। देखने और समझने के लिए रही क्या गया, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया ना। अब स्टैंड तो मुझे लेना है, मुझे डिसाइड करना है कि आगे चलकर मुझे मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। बस अब बहुत हो गया, बहुत भरोसा कर लिया मैंने तुम पर, अब और नहीं। जब तक तुम फुगी थी तब तक थी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी थी, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भी नहीं है। Because you don't exist for me. अब जब तुम मेरे लिए हो ही नहीं तो हमारे बीच में रिश्ता कैसे हो सकता है? इसलिए अब मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। फिर भी मुझे लगता है कि इस टाइम तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। जो मौका मिला है उसका फायदा उठाना चाहिए, वरना ये प्रज्ञा नाम का जादू अभी पर कभी भी हावी हो सकता है, ये याद रखना। यू नो निखिल, अब प्रज्ञा का कोई जादू नहीं चलने वाला। एक कमरे में रहना तो दूर, प्रज्ञा से वो सारे रिश्ते तोड़ चुका है। अभी कह रहा था कि वो प्रज्ञा के साथ बॉस और एम्प्लॉय का जो रिश्ता है ना, वो भी तोड़ देगा। तो एक रूम में रहना तो दूर, वो एक छत भी शेयर नहीं करना चाहता। रिमेम्बर जब मैं चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, तब मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा था, तो मेरी कैसी हालत थी? प्रज्ञा की हालत उससे ज्यादा वर्स्ट है। बोलती रहो तनु, प्रज्ञा की बर्बादी के बारे में एक एक लाइन, एक एक लाइन। इट्स लाइक म्यूजिक टू माय इयर्स। कान तरस गए थे सब सुनने के लिए। इससे पहले हमारा हर प्लान बैकफायर होना था, लेकिन ये तीर ऐसा निशाने पर लगा। इससे उभरते एक उम्र लग जाएगी। उसकी बर्बादी की दास्तान सुनकर मेरी हर तकलीफ धुएं में उड़ी चली जा रही है। बस सुकून ही सुकून महसूस कर रहा हूँ मैं तनु। इतना सुकून कि गाना गाने को मन कर रहा है। कितना सुकून और कितना आराम है, सामने तू और हाथों में जाम है। निखिल अब ये सारी तुम्हारी बकवास सुना के ना मेरा मूड ऑफ मत करो। तुम ना म्यूजिक से पैसे कमाना सीखो, बस वही काम करो। म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुमसे तो अच्छा ही गाता हूँ। नहीं तुम बुरा गाती हो। नहीं तुम बहुत बुरा गाती हो। तुम। एक मिनट, हम लड़ क्यों रहे हैं स्वीटर? आज तो अभी और प्रज्ञा के लड़ने की रात है। एक्चुअली यू आर राइट। चलो फिर रात बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं। वाह, लगता है प्रज्ञा के साथ साथ आज भगवान भी रोने वाला है। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, पर मैं अंदर उसके पास नहीं जाऊंगा। आज चाहे मैं इस बारिश में मरी क्यों ना जाऊं, पर अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। क्या करूं, वो बाहर भीग रहे होंगे, कैसे बुलाऊं मैं? पता नहीं मेरे कहने पर अंदर आएंगे भी या नहीं, कहीं मुझे देखते ही गुस्से में घर से ही बाहर ना चले जाए। उन्हें बाहर भी कैसे रहने दूं, थोड़ा सा भीगने से तो जुकाम हो जाता है उन्हें। इस बारिश में कहीं बीमारी ना हो जाए। डांटना है तो डांटे, पर मैं उन्हें बाहर नहीं रहने दूंगी।
मुझे पता था आपको जुकाम लग जाएगा। मैं मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मर नहीं रहा हूँ मैं, और अगर मर रहा भी होता ना तो मैं तुम्हारी मदद नहीं लेता, इसलिए ये झूठा कंसर्न दिखाना बंद करो। जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। मुझे पता था आप बीमार पड़ जाएंगे, प्लीज इधर। मैं समझ में नहीं आता कि एक बार कहा ना मुझे हाथ मत लगाओ तो हाथ मत लगाओ। नहीं बात आपको नहीं समझ में आती, मैंने कहा ना बैठ जाइए तो बैठ जाइए। रॉबिन मेरी चाय कहाँ है? अरे जल्दी लेके आ। अभी 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 उठ बेटा, गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग दादी। तू मेरे कमरे में यहाँ सोया हुआ, तू कब आया था? दादी कल रात को, और आज से मैं इधर ही सोऊंगा जैसे बचपन में सोया करता था। आपके साथ सोता हूँ तो अकेला फील नहीं करता हूँ खुद को, और ऐसे भी नहीं लगता है कि आप मुझे किसी और के लिए छोड़कर जाएंगे। तो अब तू क्या करने वाला है? बस अपना सारा सामान लेकर यही पर आने वाला हूँ। नहीं रहना मुझे उस मुगैम्बो के साथ, ना मुझे अपनी लाइफ उसके साथ शेयर करनी है, ना वो कमरा। जब वो मेरे साथ लॉयल नहीं है तो मैं उसके साथ क्यों रहूं? अब आप मुझे बताओ कि पति पत्नी के बीच में क्या होता है? प्यार। प्यार तो बाद में होता है, पहले भरोसा होता है, वफादारी होती है, फिर प्यार होता है ना। यहाँ पर तो ना भरोसा है ना प्यार है, वफादारी तो बहुत दूर की बात है। अब जब ये सारी चीजें नहीं है तो फिर रिश्ता कैसा? अब जब रिश्ता नहीं है तो उसके साथ क्यों रहूं मैं? धोखा दिया है उसने मुझे दादी, उसका किसी और के साथ अफेयर था और उसने मुझे बताया तक नहीं, और बताया तो भी सबके सामने, छोड़ूंगा उसे, पंच मारूंगा उसके मुंह पर। ठीक कह रहा तू, बिल्कुल ठीक कह रहा तू। वो ऐसे कैसे कर सकती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? सही किया ना उसे छोड़कर दादी? बिल्कुल सही किया। अरे वो भूल कैसे गई कि वो एक औरत है, एक औरत को कोई हक नहीं बनता ऐसी हरकतें करने का, उसने सोचा भी कैसे? मतलब ये सब तो मर्द करते हैं, औरतें नहीं करती, समझे? अगर पति पत्नी के साथ नाखुश है तो वो दूसरी औरत के पास जा सकता है, उसके साथ रिलेशन बना सकता है। ये धोखा, ये बेवफाई, ये झूठ बोलना, ये सब मर्दों को शोभता है, औरतों को नहीं। और पुत्र मर्द करे ना तो अच्छा भी लगता है, औरतों को ये सब अच्छा नहीं लगता। दादी जो कह रही है उससे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे प्रज्ञा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, उसने वो सब इसलिए किया क्योंकि मैंने उसे इग्नोर किया, या फिर इसलिए कि शायद वो मुझे पेन फील करवाना चाहती थी जो मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से उसे फील करना पड़ा। इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार करती, शायद सिर्फ मुझे जेलस फील कराने के लिए ये सब किया। क्या कंफ्यूजन है, दादी से ही पूछता हूँ। अरे दादी, कहीं प्रज्ञा जानबूझकर मुझसे बदला तो नहीं ले रही है? मतलब वो मेरे साथ वही करी है जो मैंने उसके साथ किया? और तू इसके बारे में क्यों सोच रहा है? तूने तो उसे छोड़ दिया ना, तू अपने और तनु के बारे में सोच, उसे तो शादी कर रहा है, मरने देना प्रज्ञा को, जहाँ मरती है उसके बारे में क्यों सोच रहा है? दादी आप मेरा कंफ्यूजन दूर करने के बदले उसे और बढ़ा रही हो। दादी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे प्रज्ञा मुझे ये एहसास दिलाना चाहती है कि किसी और के साथ अफेयर रखने का क्या मतलब होता है। मतलब उसका ये बॉयफ्रेंड सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैंने प्रज्ञा को इग्नोर किया, और इतने महीनों से मैं तनु का ध्यान रख रहा था और प्रज्ञा को एकदम साइड में कर दिया था, शायद इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। पता नहीं, पर अगर ये बात तेरे दिमाग में आई है ना तो ऐसा हो भी सकता है। देख तूने उसे इग्नोर किया, उसे छोड़ दिया, उसको अकेलापन लगा, तो इसी वजह से वो फिर किसी और के पास चली गई है ना, और तूने उस पर तलाक का भी बार बार जोर दिया। और ये भी तो हो सकता है कि उसने ये सब तेरे से बदला लेने के लिए किया हो, मतलब कि तेरी ही बनाई हुई कड़वी दवाई तुझे ही पिला दी। एग्जैक्टली दादी, यही है, या तो ये रिबाउंड लव स्टोरी है या रिवेंज लव स्टोरी, लेकिन ये जो कुछ भी है ना उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। ना मैं तनु के साथ अफेयर रखता, ना प्रज्ञा मुझसे दूर जाती, और ना उस प्रज्ञा का भंपक भंपक चंपक के साथ कोई अफेयर होता। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तू ही इस सब का जिम्मेदार है। प्रज्ञा अम्मा, आप यहाँ सुबह सुबह? हाँ पुत्र, कैसा है मेरा बच्चा?
मैं ठीक हूँ। माँ माँ की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ भी ठीक है और उसका फितूर भी ठीक है। फितूर? और नहीं तो क्या, फितूर ही तो है। अचानक से याद आया कि प्रज्ञा को हर जन्मदिन में मैं बेसन के लड्डू बना के खिलाती हूँ, तो बस जल्दी जल्दी लड्डू बनाए और कहने लगी मैं जाऊंगी। पता पुत्र बुखार चढ़ा हुआ है, मैं उन्हें कैसे आने देती। बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने उन्हें, मैंने उनको बोला सवेरे सवेरे मैं खुद जाके उसको लड्डू देकर आऊंगी, तब जाके मानी। जवा माँ कल यहाँ नहीं आई, वरना कल जो हुआ वो सब देख के पता नहीं उनके साथ क्या होता। अच्छा ही हुआ ना माँ नहीं आई, यहाँ आती तो और तबीयत खराब हो जाती। नहीं और नहीं तो क्या। अच्छा मैं लड्डू लाई हूँ, जल्दी से ना मीठा कर ले। बहुत अच्छे बने माँ से कहना। और पता पार्टी कैसी रही, बड़ा मजा आया होगा। हाँ तेरी फोटो दिखी थी मैंने, सोनी लग रही थी। अभी कहाँ है? हाँ उससे भी तो मिलना है, उससे भी तो मैंने लड्डू खिलाने हैं। हाँ वो सुबह 3-4 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी अम्मा। अच्छा। उसी सिलसिले में बाहर चले गए, लेकिन वापस आएंगे तो मैं लड्डू खिला दूंगी ना। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, घर का सारा काम पड़ा है, मैं चलती हूँ। थैंक गॉड अम्मा को कुछ पता नहीं चला। अभी अभी ओह नो, अब ये तनु कुछ बोलने दे। अरे वाह ये क्या है? लड्डू। किसने बनाए लड्डू? आपने? नहीं सल्ला जी ने बनाए हैं। हो तो सल्ला आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना और कहना कि लड्डू बहुत अच्छे बनाए। वैसे ये लड्डू किस खुशी में बनाए? कल रात जो हुआ उस खुशी में? क्यों है? कुछ नहीं आप चलिए मैं आपको बाहर दूँ। इन्हें नहीं पता कि कल रात को तुम्हें क्या शौक लगा। पुत्र सब ठीक थे ना? की कह रही है? सब कुछ ठीक है अम्मा, आप इसे जानती है ना, इसे शौक और सरप्राइज के बीच का फर्क नहीं पता। आप आइए। पर की कह रही है? आप चलिए ना मेरे साथ। अम्मा आप जल्दी घर पहुंच जाना, माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी, और उनसे कहना कि मुझे जैसे ही वक्त मिलता है ना मैं मिलने आऊंगी। कोई गल नहीं पुत्र आराम से आना, फिक्र करने कोई लोड़ नहीं है, मैं हूँ ना तेरी माँ के पास। बाय जान की माँ। सरला माँ को कहिएगा कि मैं उन्हें याद कर रही थी। अब प्रज्ञा ये तुमने अच्छा नहीं किया, आई मीन सबको बता दिया लेकिन अपनी फैमिली को झूठ बोला, उन्हें सच क्यों नहीं बताया कि तुम उनके लिए एक नया दामाद लाने वाली हो, चंपक दास त्रिवेदी। ओ आई सी, तुम उन्हें सरप्राइज देना चाहती हो, लेकिन प्रज्ञा शादी करके मत चले जाना, वरना खुशी की जगह ना सदमा ना लग जाए उन्हें। सदमा तो तब लगेगा जब तुम्हारी और निखिल की लव स्टोरी सबके सामने होगी। सदमा तो लोगों को तब लगा था जब उन्होंने ये देखा था कि एक टीचर जो लोगों को सोशल एथिक्स और फैमिली वैल्यूज सिखाती है, उसने खुद अपने कैरेक्टर की कोई वैल्यू नहीं रखी, सबके सामने ऐसी शर्मनाक हरकत की कि लोगों को शर्म के मारे अपनी आंखें झुकानी पड़ी। तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली, मैं तो अभी के सामने चोरी करते हुए पकड़ी गई, लेकिन तुम तो उसके सामने गुलछड़े उड़ाती हुई पकड़ी गई। इन शॉर्ट उसकी नजरों में तुम मुझसे ज्यादा गिर गई। इट्स कॉल्ड कर्मा, जो जहां से चलता है वही आके रुकता है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये रूल तो तुम पे भी अप्लाई करता है ना, तुम भी तो इस घर में कहीं बाहर से आई थी, वापस इस घर के बाहर ही जाओगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन इस घर में रहता है और कौन इस घर के बाहर जाता है। ये राइट टाइम है सच पता करने का। क्या बात कर रही हो? एक काम करो, अब इतने प्यार से मिले तुम सैंडविच बनाकर लाई हो तो खिला भी दो ना मुझे अपने हाथों से। श्योर, तुम नहीं बोलते तब भी मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती। तनु तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये सैंडविच इतना टेस्टी है ये तुम्हारे हाथों का जादू है? एक और खिलाओ, एक और खिलाओ। ये तो तुम्हारे हाथों का जादू है, टेस्टी बदल दिया सैंडविच का। आज तक मैंने अपने लाइफ में ऐसा सैंडविच खाया ही नहीं।
अब तुम्हें काम करो, कल से तुम मेरे लिए मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ तुम बना, यहाँ तक कि मेरी कॉफी भी। इसे देख के तो ये लग रहा है कि दादी ठीक कह रही थी, इसके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि ये अभी आंखें तनु का मुंह नोच लेगी, ये जेलस फील कर रही है और पहले भी सब कुछ जेलसी और गुस्से में ही किया, मतलब फॉल्ट इसका नहीं मेरा था, बुरी ये नहीं है, बुरा मैं हूं कि मुझसे प्यार ही करती थी और प्यार में मैंने उससे नजरअंदाज किया, शायद इसलिए उसने उस शैम्पू से अफेयर किया। I was right. प्रज्ञा जितना दूर जाएगी मैं उतना ही पास जाऊंगी। बच्चों की तरह तनु के हाथ से सैंडविच खा रहे ना, किसी दिन बच्चों की तरह मेरे हाथ से मार भी खाएंगे। सॉरी, तुम रहने दो यार तनु, कोई सैंडविच में चीनी डालता है, मीठा सैंडविच बना कर लाए, क्या है ये जैम? मीठा ठीक है, जिसने बनाया ना उसे अभी जाके बोलती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ और बना के लाती हूँ। सुनो अभी, तुम्हें अपने हाथों से खिला के मुझे कितना अच्छा लग रहा था, बच्चे को खिलाने की प्रैक्टिस अभी से हो रही थी। मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि वो नहीं वापस आएगा, तो लगाओ शर्त। अरे कैसी शर्त? यही मम्मी जी, कि प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड वापस आएगा या नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, अभी उसे वापस आने ही नहीं देगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो वापस आएगा। मैं कह रही हूँ वो नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा। और तुम दोनों इतनी खामोश क्यों हो गई? शर्त क्या सिर्फ दो लोगों में लगती है? अब की बार शर्त मैं भी लगाऊंगी और वो भी पम्मी की तरफ से। अजब, वो है ना प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड चंपू चंपकलाल, वो हमारी अभी की पर्सनैलिटी देखकर भाग गया है और उसके आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ओह मिताली, बाय वन गेट वन ऑफर है ये तो, अब मैं इन दोनों से शर्त लगाकर जीत जाऊंगी और मेरे पैसे डबल नहीं ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि अंदर की बात तो सिर्फ तू खुद ही जानती है ना। अच्छा, आप दोनों अगर इतने कॉन्फिडेंट हो ना तो लगाओ 20,000 की शर्त। लग गई शर्त, ले लगी शर्त। आज पहली बार मुझे फायदा हुआ है पेट की बात किसी को ना बताने का। 20,000 होने वाले हैं मिताली, एक दिन में मैं आधी लखपति तो बन ही जाऊंगी। अरे आज छोड़ना क्या ख्यालों में रहेगी? मुझे तो डर लग रहा है कहीं इस बार तनु पूरी तरह से इन्हें अपनी तरफ न कर दे, और अगर ऐसा हो गया ना दादी, वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे। आपने देखा नहीं दादी, वहां बाहर वो और तो और ये भी और ये सब। शांत शांत, ले पानी पी। शाबाश, अभी ने आखिर किया क्या है? मैंने अभी तो उसे समझाया था इतने अच्छे से। अब बता क्या बात हुई? वो तनु इन्हें नाश्ता करवा रही थी। हाँ तो कराने देना, इसमें क्या है दादी? वो अपने हाथों से खिला रही थी और ये भी इतने शौक से खा रहे थे जैसे जिंदगी में कभी सैंडविच नहीं खाया। और तो और मैं वहां खड़ी थी, ये सब देख रही थी और उन्होंने देखा कि मैं खड़ी हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आप कुछ कर रहे हैं जिससे किसी और को बुरा लग रहा है तो आपको उसे चिढ़ाना तो नहीं चाहिए ना। उल्टा उन्होंने तनु का हाथ पकड़ लिया, उसके साथ रोमांस कर रहे थे। दादी मैं सच कह रही हूँ, मेरा खून खौल रहा था दादी। मेरा मन कर रहा था उस तनु का मुंह नोच लूं और पूरा का पूरा सैंडविच इनके मुंह में डाल दूं। अच्छा तो अभी प्रज्ञा को जला रहा है, वो देख रहा है कि प्रज्ञा के मन में उसके लिए क्या है। तनु के साथ देख के वो प्रज्ञा अभी भी जलती है या नहीं? ये दोनों मेरे बच्चे बड़े तो हो गए हैं लेकिन छोटे बच्चों जैसे हरकतें करते हैं। प्यार ये दोनों एक दूसरे से करते ही हैं, पर कहते नहीं हैं। पहले उसे समझाया था और अभी इसे समझाना पड़ेगा। क्या किया आपने? दादी की जादुई छड़ी से। देख तूने उसे इग्नोर किया, उसे छोड़ दिया, उसको अकेलापन लगा तो इसी वजह से वो फिर किसी और के पास चली गई है ना। और तूने उस पर तलाक का भी बार बार जोर दिया, और ये भी तो हो सकता है कि उसने ये सब तेरे से बदला लेने के लिए किया हो।
पर लगता है जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, है ना? देखो कैसे रो रही है ये। दादी मैं रो नहीं रही, मैं अगर आपके समझाने से वो समझ गए तो मुझे बताइए वो तनु के हाथ से सैंडविच क्यों खा रहे थे, वो भी मुझे दिखा दिखा के। अरे पागल, वो तेरा टेस्ट ले रहा था कि तू ये सब कुछ देखकर जलती है कि नहीं जलती। किसी के दिल की बात का पता लगाने का ये बिल्कुल आसान तरीका होता है। दादी कहीं आप ये सब मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही? अब इसका तो एक ही जगह पे रिकॉर्ड अटक गया है, कैसे समझाऊं इसको? पर दादी आपको समझाना तो पड़ेगा क्योंकि समझ में तो हम दोनों के भी कुछ नहीं आ रहा है। एक मिनट तनु, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही है वो उसकी मजबूरी है, वो गलत नहीं है। गलत नहीं है मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान गलत नहीं होता, हालात गलत होते, वही हो रहा है उसके साथ। क्या बोल रहे हो अभी तुम? कैसे हालत, कैसी मजबूरी? उसने शुरू से लेके अब तक तुम्हारे साथ सिर्फ गलत ही किया, फिर तुम कैसे बोल रहे हो? पता है मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था, फिर दादी ने मुझे समझाया। क्या कहा दादी ने? दादी ने कुछ कहा नहीं, दादी ने मुझे आईना दिखाया कि प्रज्ञा जो कर रही है वो मजबूरी में कर रही है, वो मुझसे तंग आकर उसने ऐसा स्टेप उठाया। तंग आकर? देखो तनु, अब मुद्दे की बात यह है कि मैंने प्रज्ञा से शादी की, लेकिन मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ है, पति मैं उसका हूँ, लेकिन बॉयफ्रेंड तुम्हारा बनकर घूम रहा हूँ। मैं उसके मुंह पर बोल के जाता था कि मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता, तुम्हारा ध्यान रखता, तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं। तो अब प्रज्ञा को भी कोई चाहिए होगा ना जो उसका ख्याल रखे, उसके बारे में पूछे, उसका ध्यान रखे, तो इस वजह से शायद उसने जाकर उस चंपक से दोस्ती कर ली होगी। ये क्या हो रहा है तनु? अच्छा खासा इसे अपने रास्ते पे लेके आई थी, पर ये तो किसी और ही ट्रिप पे जा रहा है, इसे वापस लाना होगा। अभी तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें पता था कि शादी के बाद तुम मुझसे रिश्ता रखोगे, मुझसे बात करोगे, तो उसमें क्या गलत किया तुमने? गलत हुआ है, और मेरी गलती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। माना कि शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। मैं उसे प्यार नहीं दे सकता था, लेकिन खुश तो रख सकता था जो मैंने नहीं किया। और दादी कहती है कि हो सकता है इसी वजह से वो मुझे वही सब फील करवाना चाहती है जो मैंने उसे फील करवाया। ये दादी को तुम्हें किसी दिन? अभी तुम प्लीज अपनी दादी की बातें मत सुना करो। क्या? अभी तुम जानते हो, हम जानते हैं कि दादी कितनी सीधी है, कितनी भोली भाली है। प्रज्ञा जिस तरीके से दादी को समझाएंगी, बताएंगी, दादी वैसे ही रिएक्ट करेंगी और वैसे ही तुम्हें समझाएंगी। पर दादी को भी ये समझना चाहिए ना कि शुरुआत से लेके अब तक प्रज्ञा ने सिर्फ तुम्हें धोखा दिया है। अभी प्रज्ञा के इस धोखे की वजह से तुम उसे माफ कैसे कर सकते हो? तनु मैं उसे माफ नहीं कर रहा। नो लिसन मी, अगर मैं तुम्हारे साथ अफेयर रख सकता हूँ तो वो क्यों नहीं रख सकती? अगर हमारा रिश्ता गलत नहीं है तो उसका रिश्ता कैसे गलत हो? वो तो वही कर रही है ना जो उसने इस घर में देखा है। अब जिससे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समझ रहे हैं, शायद वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही ना। हो सकता है कि वो चंपक को एक दोस्त की तरह मानती हो, और तुम जानती हो आजकल के लड़के कैसे, उनसे हाथ मिलाओ तो वो गले लग जाते। हो सकता है कि चंपक ही चेप बन रहा हो, है ना? इसलिए तनु मैंने डिसाइड किया है कि मुझे प्रज्ञा की मदद करनी होगी, और उसके लिए सबसे पहले मुझे उसे माफ करना होगा, उसे समझाना होगा कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। तुम क्या सोचे जा रहे हो? वही जो सही है तनु। ये गलत है तनु, तुम अभी गुस्से में हो, तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी तो तुम्हें सब सही लगेगा, अब जाकर ठंडी हो जाओ। लेकिन अभी मैं देखो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बाद में आराम से समझाऊंगा, तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं? तनु अब तुम जाओ, मुझे बहुत सारे काम करने। मुझे ये भी सोचना है कि मुझे प्रज्ञा को कैसे समझाना है कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। ये क्या हो गया? प्लान हिट होने के बाद फ्लॉप कैसे हो गया? प्रज्ञा के अफेयर में भी अभी अपनी गलती देख रहा है। ऐसे तो मैं जो सोच रही हूँ वो कभी नहीं होगा। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। बात करने से पहले उसका मूड ठीक करना होगा, और मूड ठीक करने के लिए मुझे उसकी पसंद के काम करने होंगे। लिख लेता हूं, उसे पढ़ना पसंद है ना, कुकिंग पसंद है, शॉपिंग नहीं पसंद। ये तो वापस आ गए, तब दादी सही कह रही, इन्हें अब भी मुझ पर भरोसा है। ये तो इतनी जल्दी रूम में आ गए, और मैंने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया कि मुझे करना क्या है।
कितने अच्छे लग रहे थे हम दोनों एक साथ कल। बस वो चंपक नहीं आया होता ना तो ये मुझे प्रपोज कर देते और फिर हम दोनों इतनी दूर नहीं बैठे होते। अब क्या करूं, यही बैठा रहो या उसके पास जाओ? अभी तू भी ना, उसे समझाना है तो उसके पास जाके ही समझाना होगा ना। ये तो मेरे पास आ रहे हैं, ध्यान रखना, अगर वो एक कदम तेरी तरफ बढ़ा रहा है तो तू दो कदम बढ़ाना, क्योंकि जितनी गलती उसकी है ना उससे ज्यादा तेरी गलती है। दादी ने ये तो बता दिया कि करना क्या, पर ये क्यों नहीं बताया कि पास आए तो क्या करना है? मैंने ये डिसाइड तो कर लिया कि मुझे करना क्या है, पर ये डिसाइड नहीं किया कि पास जाके क्या करना है। आप ठीक से दिखाई दे रहा है या टेलीस्कोप लेकर आऊं? दूर मीन? नहीं नहीं, मेरी आंखें ना बिल्कुल ठीक है। और मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक है। आंखें ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों की नियत ठीक नहीं है? मेरा मतलब ये है कि जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है शायद तो मैं जीत गई हूँ। तो शर्त के पैसे देने में नहीं, वो क्या है कि मेरी ना हाथ में खुजली बहुत हो रही है, तो दे दीजिए शर्त के पैसे मुझे। अभी मेरे पास कैश नहीं है, बाद में दे दूंगी। चल कोई गल नहीं, कैश नहीं है ना, अपना कार्ड दे, मैं एटीएम से निकाल के। मेरा कार्ड ना ब्लॉक हो गया है, मैं परसों गई थी एटीएम तो मैंने गलत पिन डाला और वो ब्लॉक हो गया। चल कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए ना तू अपने पर्स में जितने पैसे हैं इसको दे दे, बाकी बात मम्मी दे 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 ले। पापा जी देखो ना, चल भागते भूखती लंगूठी से। मासी जी तुसी किधर चले, आपकी बारी है अभी। बेटा इस बार तो तू मुझे माफ कर दे, अगली बारी है ना मैं तुझे दे दूंगी। चल पुत्र कोई बात नहीं, मासी जी बड़े हैं, कह रहे हैं तो इस बार छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम इन्होंने शर्त लगाई ना तो फिर इनको भी नहीं छोड़ना। ठीक है पापा जी, आप बोल रहे हो ना तो मैं इन्हें छोड़ देती हूँ। एक और बात एक बात और सुनते जाइए, अगर मेरी और मम्मी जी की बहस हुई ना तो आप मम्मी जी का नहीं मेरा साथ देंगी, मेरी टीम में रहेंगी। प्रॉमिस, मैं बिल्कुल तेरी टीम में रहूंगी, तेरी रहूंगी, और कुछ नहीं ना। ठीक है, इतने तो आए। बड़ी जल्दी है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की, क्या बात, उसका नाम सुन के तुम्हारे तो पढ़ने कल आते। बस बंद करो और साइड हटो। अरे साइड क्या था? तुम्हारी जब इच्छा होती है तुम उससे मिलने चली जाती हो, उसकी जब इच्छा होती है वो तुमसे मिलने चला आता है, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी तो तुम्हारी होगी, वो भी निखिल के साथ, ताकि तुम अपने घर में खुश रहो और मैं अपने घर। अरे चंपक को जो तुम इस घर में लेकर आई हो उसका खामियाजा भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा, उसकी तो आज मैं वो हालत करने वाली हूँ कि तुम सीधी हो जाओ। और हाँ, मेरे रास्ते में आना मत कर, वरना कभी सचमुच सीढ़ियों से गिर जाओगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।